हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत ही सस्ती और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और कम खर्च वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर नहीं, लो फ्लेम पर मैं कढ़ाई रख रही हूँ। तो इस कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ इस बड़े चमचे से, कटोरी वाले चमचे से, 2 कटोरी मूंगफली। लो फ्लेम पर हमें मूंगफली को भूनना है तब तक जब तक कि मूंगफली का छिलका इस तरह से ना उतर जाए। और लो फ्लेम पर भूनने से ये होगा कि हमारी जो है मूंगफली भी नहीं जलेंगी और ये अच्छे से इनका छिलका उतर कर तैयार हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 7 उबले हुए आलू। कुछ मोटे हैं और कुछ छोटे हैं। और इन आलूओं को मैशर से हमें मैश करना है, बहुत बारीक करके। अगर आप मैशर से बारीक नहीं कर सकते हैं तो मिक्सी के जार में डालकर इनको भी बारीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आलू भी अच्छे से बारीक हो गए हैं और जो मूँगफली है उनका भी हमने छिलका अच्छे से उतार कर तैयार कर लिया है। तो मूंगफली भी तैयार हो गई है और आलू भी हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। तो हम आगे का प्रोसेस तैयार करते हैं इस रेसिपी को, इस स्वीट को बनाने के लिए, जो अक्सर हम त्यौहार पर और इसको व्रत में ही बनाते हैं। तो अब लो फ्लेम पर मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है और उसी चमचे से मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी, यानी कि 2 कटोरी ये गुड़ जिससे हमने मूंगफली भूनी है। तो 2 चमचे मूंगफली है और 2 ही चमचे मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ। गुड़ को हमें बिना पानी डाले ही पिघला लेना है। जब गुड़ हमारा अच्छे से पिघल जाए तो जो हमने आलू मैश करके रखे हैं उनको हमें इस पिघले हुए गुड़ में डाल देना है। और गुड़ में डालने के बाद हमें जो है गुड़ और इन मैश हुए आलूओं को अच्छे से मिक्स करना है। ऐसा ना हो कि इन आलूओं का जो है जो लम्स और गांठें हैं वे अलग अलग रहें। अलग अलग नहीं रहने चाहिए क्योंकि हम इसकी बनाने जा रहे हैं एक स्वीट। तो स्वीट बनाने के लिए हमें गुड़ और आलू को धीरे धीरे मिक्स करते हुए चलाते रहना है। तो इस तरह से गुड़ और आलू हमारे अच्छे से बन रहे हैं, पक रहे हैं लो फ्लेम पर। और इधर जो हमने मूंगफली अच्छे से भून कर साफ़ करके छिलका रखा था उसका हमने एक पाउडर तैयार कर लिया है इस तरह से। तो इसको अब हम एक साइड रखेंगे और लो फ्लेम पर हमें इसको धीरे धीरे चलाते रहना है गुड़ और आलू को, जिससे कि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें डाल रहे हैं खुशबू के लिए, हम इसमें खुशबू के लिए डालेंगे छोटी इलायची। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 से 5 हरी इलायची छोटी वाली। और इन इलायची के जो बीज होंगे उनको मैं अच्छे से कूट कर इसमें डाल दूँगी। और जो छिलके होते हैं वे मैं छिलकों को मैं जो हूँ चाय की पत्ती वाले डिब्बे में यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी हमने क्या क्या मिक्स मिक्स किया है, अभी हमने छोटी इलायची के बीज कूट करके मिक्स किए हैं आलू और गुड़ को। तो इस तरह से हमारे आलू गुड़ और अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये थोड़ा सा यानी कि स्वीट वाला बैटर जो है थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो फिर हमें क्या करना है, इसको और टाइट करने के लिए, इसको और थिक बनाने के लिए हमें जो है ये मूंगफली का जो पाउडर हमने भून कर तैयार किया है, पीस करके तैयार किया है, हमें इसको इसमें मिक्स कर देना है। तो ये स्वीट, फुल स्वीट ही हमें लो फ्लेम पर तैयार करनी है। इसमें बिल्कुल भी मीडियम या मीडियम टू फ्लेम नहीं करनी है, ओनली लो फ्लेम ही करनी है। तो इस तरह से अब हमें, जब हमने ये मूंगफली का पाउडर इसमें डाल दिया है, तो धीरे धीरे चलाते रहना है। धीरे धीरे चलाते हुए हमें मिक्स करना है इसमें। और जब ये डो के फॉर्म में आने लगे तो फिर हमें इसको और थिक करना है। तो हमें लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते रहना है और फिर इस टाइम पर हमें इसमें मिक्स करना है 3 छोटे चम्मच देसी घी। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 चम्मच देसी घी। और घी डालने के बाद हमें फिर इसको अच्छे से चलाना है, भूनना है, जिससे कि हमारी जो ये स्वीट है वो और अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। चलाते रहना है कंटिन्यू, क्योंकि अब हमारी जो ये स्वीट है वो बनकर तैयार होने वाली है। तो हमें इसको बिल्कुल ही एक जैसे रोटी वाला डो होता है उस तरह से थिक करना है और उसी फॉर्म में हमें इसको लाना है, जिससे कि हम इसकी
बर्फ़ी, लड्डू, रोल जो भी आप बनाना पसंद करते हैं वो अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमें इसको थिक बनाना है एक डो के फॉर्म में। तो इस टाइम हमारा जो ये डो है वो बनकर तैयार हो गया है, आप देख रहे हैं, क्योंकि इस डो में से जो है घी अच्छे से निकल रहा है और किनारों पर भी दिखाई दे रहा है। तो जब घी इस मिठाई से बाहर आने लगे और ये अच्छे से टाइट होने लगे, थिक हो जाए, एक डो के फॉर्म में तैयार हो जाए, तो हमें इसको उतार लेना है। और फिर हमें इसको एक प्लेट में यानी कि थाली में निकाल लेना है और उस थाली में हल्का सा घी लगाना है और फिर हमें इसको ठंडा कर लेना है। अगर आप इसकी बर्फ़ी जमाना चाहते हैं तो आप इसको इस थाली में ही ऐसे ही सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका रोल बनाना चाहती हूँ तो मैं इसको रोल बना करके इस तरह से तैयार करूँगी। और अगर आप इसका लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप इसको ठंडा करके गोल गोल लड्डू बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसका रोल बना करके इसके रोल वाले स्वीट बनाऊंगी। तो आप देखते रहिएगा, आ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जो न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट बना के रखिएगा, जिससे कि नेक्स्ट रेसिपी मैं आप सभी के पसंद की डाल सकूं। तो इस तरह से हमने, जब हमारा जो ये स्वीट वाला डो ठंडा हो गया है, तो हमने इसको एक पेपर पे निकाल लिया है। तो आप बटर पेपर ले सकते हैं, सिल्वर फॉइल ले सकते हैं जो आपके पास हो, या फिर आप पॉलिथीन कवर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जब हमने पेपर पर ये निकाल दिया, तो हमने इस तरह से हाथ से एक रोल सा बना लिया और फिर हमने क्या किया, इस पेपर में रैप कर दिया। रैप करने के बाद अब हमें इसको 1 घंटा फ्रिज में रखना है। फ्रिज में इसलिए रखते हैं जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से थोड़ा और थिक हो जाए और हम इसके पीस अच्छे से काट सकें। तो इस तरह से अच्छे से हमने इसको रैप कर दिया है और 1 घंटे के लिए अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। तो 1 घंटे के बाद अब मैंने फ्रिज से इसको निकाल लिया है, 1 घंटा ही रखा है मैंने, आप चाहें तो ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। तो 1 घंटे के बाद जब मैंने फ्रिज में से इसको निकाल लिया, तो आप देख सकते हैं हमारा जो रोल है वो अच्छे से सेट हो गया है, लेकिन जो इस जिस पेपर में हमने इनको रैप किया था उस पेपर के किनारे पर जो घी है वो फ्रिज में रहने से वो घी जो है किनारों पर आकर जम गया है। तो घी को हम एक साइड निकाल लेंगे और पेपर से हमने इस रोल को निकाल लिया है, चॉपिंग बोर्ड पर रख दिया है और घी जमा हुआ है साइडों से। तो अब हम इस रोल के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे और आप इस तरह से इस स्वीट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा रोल बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक चाकू की मदद से इसके बारीक मोटे बड़े बड़े पीस जैसे आपको पसंद है उस तरह से काट कर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक पीस काट के दिखाया है, बहुत इजीली ये स्वीट बनकर तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ख़ास तौर से व्रत में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि आप इस स्वीट को ज्वाइंट फैमिली के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। कम बजट है और कम इंग्रेडिएंट्स और कम गैस का खर्च है, तो बहुत ही जल्दी ये स्वीट बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों से बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है और ख़ास तौर से ये व्रत की स्पेशल स्वीट है। तो मैंने ये स्वीट को ऐसे बनाकर तैयार किया है, इस तरह से मैंने पीसेस कट कर लिए हैं और इस तरह से हमारी ये स्वीट बनी है, इस तरह से हमारे ये पीस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी ये स्वीट बनी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिए, सपोर्ट बना के रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आती है तो एक लाइक सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और मिलती हूँ आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।